ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडिया का ऐलान 1 मई को हो सकता है। टीम का पहला बैच 22 मई को हो सकता है रवाना। जून में होगा टूर्नामेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान 1 मई को हो सकता है। ICC की ओर से वर्ल्ड कप के लिए टीम की घोषणा की आखिरी तारीख 1 मई है। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर शनिवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए IPL के लिए विशेष रूप से दिल्ली आए थे ताकि उन्हें कप्तान रोहित शर्मा के साथ बात करने का मौका मिल सके। 22 मई को हो सकता है रवाना पहला बैच। इस दौरान दोनों के बीच एक अनऑफिशियल मीटिंग हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई को डेडलाइन ख़त्म होने के दिन भारतीय टीम की घोषणा हो सकती है। टीम का पहला बैच 22 को उन खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप के लिए रवाना होगी जो तब तक IPL के बाहर हो जाएंगे। स्रोतों का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी IPL के परफॉर्मेंस को देखते हुए सिलेक्शन नहीं करेगी। कमेटी का मानना है वेस्ट इंडीज में स्थिति यहां से काफ़ी अलग होती है। और हम विकेट कीपर के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में जो दूसरी मीटिंग होने वाली है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। विकेट कीपर ऋषभ पंत के साथ संजू सैमसन और KL राहुल के नामों को लेकर संशय है। पंत का चयन तय माना जा रहा है। वही दूसरे विकेट कीपर को लेकर चर्चा है। मिडिल ऑर्डर में पावर हीटर्स सबसे बड़ी चुनौती मिडिल ऑर्डर में पावर हीटर्स को रखना है। रोहित और विराट कोहली लगातार रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं लेकिन बड़े स्कोर बनाने की जिम्मेदारी मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर के पावर हीटर्स पर होगी। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा रेडी इतनी इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट नहीं रही है इस IPL में। इस भूमिका के लिए रिंकू सिंह अच्छे ऑप्शन है बट शिवम दुबे भी एक अच्छे ऑप्शन है। बॉलिंग को लेकर भी चर्चे फाइनल नहीं है। तेज गेंदबाज और स्पिनर्स को लेकर भी चीज़ें फाइनल नहीं है। जसप्रीत बुमराह शानदार फॉर्म में है वहीं मोहम्मद सिराज का IPL परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। अक्षर पटेल रवि बिश्नोई और यजेंद्र चहल में टीम के तीसरे स्पिनर के मुकाबले हो रहे हैं। आप कौन कौन खिलाड़ी को देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप में कमेंट करें।